आमतौर पर जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम मायूस हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जिनके साथ हादसा हो जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जुनून से एक ऐसी कला दर्शाई, एक ऐसी चीज बनाई जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, सूरजकुंड मेले की तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और हर एक कला से आपको रूबरू करवा रहे हैं। ऐसी एक हस्तशिल्पी कला हम लेकर आ रहे हैं जहाँ पर सारा सामान चांदी से बना हुआ है और ऐसी छत्र बनाई गई है जो कि बहुत बड़ी है और बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनी, और उसको आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे क्या चांदी से भी ऐसी कोई चीज बन सकती है। और इतनी खूबसूरत रूबरू कराने जा रही हूँ मैं, आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार झलक दिखा देती हूँ कि मैं किस किस तरीके से यहाँ पर चांदी का ये सारा सामान जो है आर्टिफिशियल नहीं बल्कि प्योर चांदी से बना हुआ है और तार वगैरह से बनाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मिनिमम रेट में है, कोई ज्यादा महंगे नहीं। और यहाँ पर ये छत्र देखेंगे आप, ये देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है और अंदाजा लगा सकते हैं इसकी खूबसूरती से कि आखिर कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। देखिए, आपको रूबरू कराने जा रही हूँ उन शख्स से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, इतना अच्छा सामान लेकर पहुंचे हैं और काफी लोग जो है इन चीजों को पसंद भी कर रहे हैं और साथ ही प्रेरणा ले रहे हैं कि यदि जुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार साहू। जी, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा कटक। अच्छा, यहाँ पहुँचे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सुंदर है ये, इसमें है बहुत ऐसे कला, मतलब आदमी मेरे साथ मिला है जो काम को देख के बहुत पसंद कर रहा है। और ये सिल्वर फिलिग्री है, वो चांदी में, सब प्योर चांदी में ये सब काम बनाया और हाथ से, एक हाथ से मोड़ मोड़ के ये फिलिग्री काम, जो सिल्वर फिलिग्री ये काम बनता है ना, एक हाथ से हम बनाया सब चीज, छोटा चीज से बड़ा चीज सब हम बनाना है। अच्छा, सूरजकुंड मेले में कितने सालों से आ रहे हैं? सूरजकुंड मेले में हम 91 से आया है, 30 साल से, हाँ 30 साल से मैं आ रहा हूँ। आपके हाथ की बात की जाए, किस कैसे हुआ हादसा? ये बीच में एक 1900 में एक एक्सीडेंट हुआ था घर पे, तो एक हाथ का पपली हमारा वो हो गया, मतलब उसका बात भी, ये हमारा खानदान का था, पूरा ट्रेडिशनल काम था ये, फिर भी इसका बात भी हम हार नहीं दिया, हार नहीं माना, फिर भी इस काम को पकड़ के हम चलाए बस। अभी तो ये पूरा खानदान का है, पिताजी, पिताजी का पिताजी, ये सब प्राय पीढ़ी पर पीढ़ी ये काम पीढ़ियों से चलता आ रहा है, चलता रहे ये काम। अभी मेले में आए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब लोग जो आ रहे कस्टमर से संतुष्ट हैं? आप खरीद रहे हैं सामान? हाँ, सामान खरीदते हैं और ये क्या होता है ना, ये काम को सब पसंद करते हैं, कला को पहचानते हैं सब लोग, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है? नेशनल अवार्ड 94-95 से मिला था, उसका बाद भी बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, जैसे कलाश्री भी सूरजकुंड में पिछले साल हमको 2 साल का बाद मिला था, और उड़ीसा में भी बहुत अवार्ड मिला है मेरे को, और अभी अभी रिसेंटली विश्वकर्मा गुरु का एक अवार्ड मिला था मेरे को। अच्छा, ये छत्र की बात करें, कितना समय लगा इसको बनाने में? छत्र बहुत सुंदर लग रही है। छत्री को बनाने के लिए 2.5 महीना मेरे को लगा। 2.5 महीना? एक हाथ से बनाया आपने? एक हाथ से ये सब काम। क्या प्राइस इसका? 3 लाख का आसपास है। अच्छा, ये प्योर चांदी है? प्योर चांदी, और नहीं है? और कुछ नहीं है, प्योर सिल्वर में इसको बनाया। और कोई सामान, अगर छोटे छोटे सामान की बात करें, यहाँ पर सब कुछ चांदी है, कितना कितना समय लगता है? ऐसे सब छोटा छोटा जो ये सामान है, ज्वेलरी आइटम सब, ये भी बनाते हैं वो पहनने के लिए, छोटा छोटा वो सब, एक दिन दो दिन ऐसे सब लगता है। अगर कोई आपसे चांदी खरीदता है, यहाँ से ले जाता है, उसके बाद अगर उसकी कोई शिकायत हो, वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? मेरा नंबर है और DCH का साथ जो है हमारा दिल्ली में ऑफिस है, सब लोग जानते हैं, वो सिल्वर फिलिग्री काम होता है सिल्वर में, और दूसरा कुछ मटेरियल में नहीं बन सकेगा। तो उड़ीसा में भी आप यही काम करते हैं? हाँ, उड़ीसा में ही। तो आप लोग जो है सिखाते भी हैं लोगों को या फिर कुछ? हाँ, गवर्नमेंट का तरफ से भी सिखाते हैं सब, गुरु शिष्य परंपरा जो होता है इसी माध्यम से हम ट्रेनिंग देता है सब लोग को। अभी कौन कौन आया है यहाँ पर?
अभी अभी हम दोनों है सूरज कुंड में, हम है नहीं। देखिए बेहद ही सुंदर छत्र लग रही है। अक्सर हम लोग जो हैं अपने भगवान जी जो हमारे श्री राम हो गया, माता हो गया, कान्हा जी जिनको लड्डू गोपाल कहा जाता है, उनके सर पर जो है छत्र रखते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे लगे और उनके मुकुट के ऊपर एक ऐसी चीज़ दिखाई दे जो ज़्यादा सुंदर लगे। और यहाँ पर वैसी ही एक छत्र है जो कि बेहद सुंदर लग रही है। और आप देख सकते हैं पंकज कुमार जी हमारे साथ है जिन्होंने एक हाथ से 2.5-3 महीने लगाकर इसको बनाया है। और साथ ही यहाँ पर जितना भी मान एकदम चांदी है, प्योर चांदी, खुद अपने हाथों से बनाते हैं, साथ ही रोजगार भी देते हैं लोगों को। और उसके साथ साथ इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है 1994 में प्रेसिडेंट एसडी शर्मा द्वारा। देखिए आपको यदि अच्छा लगता है तो आप यहां आकर परचेज भी कर सकते हैं, प्योर चांदी है, शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा पंकज कुमार जी का कहना है। ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार।